देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। बीजापुर में मुठभेड़ के बाद 15 जवान लापता, 5 शहीद, दर्जन भर से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने का दावा। छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में शनिवार नक्सलियों के साथ हुए भीषण मुठभेड़ के बाद लगभग 15 सुरक्षाकर्मी लापता गए। मुठभेड़ में 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। ममता के चोटिल पैर को आगे पीछे करने का वीडियो सामने आने के बाद तृणमूल भाजपा में वाक्य युद्ध। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें वह व्हील चेयर पर बैठे हुए प्लास्टर लगे अपने पैर को आगे पीछे करती हुई नजर आ रही है। इंटरनेट मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदियों को हमला करने का मौका मिल गया कि बनर्जी सहानुभूति बटोरने के लिए चोट लगने का नाटक कर रही है। हावड़ा के रोड शो में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, टीएमसी के गुंडों ने बंगाल को बनाया अराजकता की धरती। सीएम योगी पश्चिम बंगाल में शनिवार को खूब दहाड़े, टीएमसी और ममता सरकार पर सीधा हमला बोल रहे योगी ने कांग्रेस और वामपंथियों को भी निशाने पर रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल की धरती को टीएमसी के गुंडों ने गुंडागर्दी और अराजकता की धरती बना दिया। सोनभद्र में लैंको परियोजना के शटरिंग गिरने से कई घायल, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। अनपरा स्थित लैंको परियोजना की दूसरी इकाई में बॉयलर अनुरक्षण कार्य के दौरान रविवार की सुबह शटरिंग गिर गई। शटरिंग गिरने से उसकी चपेट में कई मजदूर भी आ गए। अनपरा थाना प्रभारी वीपी सिंह ने बताया कि अल सुबह 4 बजे शटरिंग गिर गई, जिसमें 13 श्रमिक चपेट में आए। छोटे कद के कारण लंबे समय से निकाह से वंचित रहे शामली के अजीम मंसूरी का नया लुक इंटरनेट मीडिया पर सामने आया है। उनका इंसास राइफल के साथ फोटो वायरल हो रहा है, इससे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। यह माना जा रहा है कि फोटो के वायरल होने के बाद उनके कानूनी शिकंजे में फंसने की संभावना भी है। नितिन गडकरी बोले, झारखंड में हर तरफ होगी चकाचक सड़कें। सीएम हेमंत की मौजूदगी में 21 परियोजनाओं का उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार के दिन को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि राज्यवासियों को 21 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बेहतर सड़कों के निर्माण से विकास कार्यों में तेजी आएगी। झारखंड में कोरोना खतरनाक, आज 7 मौतें, 873 पॉजिटिव, रांची में 472। झारखंड में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण से खलबली मच गई। आज एक साथ 7 कोरोना संक्रमितों की मौत से शासन प्रशासन समेत तमाम लोग सकते में आ गए हैं। लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण तेजी से नए मामलों में फैल रहा है। आरोपित निकला कोरोना पॉजिटिव, पुलिस पदाधिकारी समेत 32 लोगों की हुई कोरोना जांच। शनिवार को चर्चित घटना का आरोपित कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रखंड प्रशासन व अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक रेस हो गए। इंसिडेंट कमांडर सह सीओ राजीव कुमार स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ गालोडी थाने पहुंचे और पुलिस पदाधिकारी समेत 20 जवानों की कोरोना जांच की गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।